मेरा एक छोटा सा सवाल है कि मैं अक्सर देखता हूँ जब जमात में नमाज़ पढ़ा होता हूँ तो इमाम साहब सलाम फेर के जब खड़े होते हैं आगे सुनने सुनते पढ़ने के, के लिए तो वो अक्सर कभी थोड़ा सा इधर हो जाते हैं कभी थोड़ा सा उधर हो जाते हैं फिर शुरू करते हैं जो पीछे भी लोग खड़े होते हैं वो तीन चार सफ़ आगे या पीछे हो जाते हैं ताकि फिर उधर पढ़ना शुरू करें तो उसकी वजह क्या है इसलिए इसलिए कि ये भी एक सुनत थी है एक तरह की कि अपनी जो नमाजों की जगह है वो बदल लो अगर कहीं जगह है तो अगर आपके आप पास जगह है तो जगह बदल के दो कदम इधर हो कर दें ताकि हर जो हिस्सा है मस्जिद का वो उससे जो बरकत है अगर है उसमें तो वो आपको मिल जाए अगर आपकी नमाजों में दुआए तो हर हिस्से को आपकी जो घरों में भी पढ़ रहे हैं तो अपने घर नमाजों की जगहों को नमाज़ें पढ़ने को ऐसे बरकत मिल जाए ठीक है ठीक है बाकी ये नहीं है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं या सफ़ों में जगह कोई नहीं है तो धक्का मार के किसी को पीछे हटा और ख़ुद आके आके भी मैंने बदलनी है जगह हैं क्यों हाँ जी सुनत है या बस इस तरह का कर इस तरह रवायात में आता है इस तरह जगह बदल लो तो बेहतर होता है तो आप कहें इसलिए बेहतर होता है इसलिए मुझे हक़ मिल गया कि मैं धक्का धक्का मार के पीछे कर दूँ ये नहीं है ठीक है जगह है तो पढ़ लो नहीं तो जहाँ जगह मिलती है वहीं पढ़ लो ठीक है